डियर स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन एक इम्पोर्टेंट टाइप का डिस्टोर्शन है, जैसा सेकंड हार्मोनिक डिस्टोर्शन, सिमिलरली क्रॉस ओवर डिस्टोर्शन। तो बेसिकली क्या होता है कि जब क्लास बी ऑपरेशन में हम दो ट्रांजिस्टर लेते हैं, तो दो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन जो होता है वो इनपुट साइकिल के लिए, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक ट्रांजिस्टर 180 डिग्री के लिए रन कर रहा है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि ट्रांजिस्टर जस्ट इनपुट सिग्नल जैसे ही आता है वैसे ही कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं करता है। ट्रांजिस्टर का कुछ कट इन वोल्टेज होता है और वो कट इन वोल्टेज के बाद ही कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। तो इनपुट साइकिल अगर यहाँ से आ रही है और जो ट्रांजिस्टर हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे इनपुट जो ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो वो हाफ साइकिल के लिए ही रन करता है, 180 डिग्री के लिए हाफ साइकिल के लिए रन करता है। उस कंडीशन में वो इमीडिएटली यहाँ से जीरो वोल्ट से कंडक्ट करना स्टार्ट नहीं कर देता है, उस समय वो कट इन वोल्टेज के बाद स्टार्ट करता है। सिमिलरली जब सेकंड ट्रांजिस्टर यहाँ आता है तो सेकंड ट्रांजिस्टर कंडक्ट करना कट इन वोल्टेज के बाद स्टार्ट करता है कंडक्ट करना। तो इस तरह से एक ये जो पीरियड आता है जहां पर दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहते हैं, इस रीजन को क्रॉस ओवर रीजन बोलते हैं। और इस तरह का जो डिस्टॉर्शन आता है, जो आउटपुट सिग्नल में जो सिग्नल आएगा वो डिस्टॉर्टेड होगा, इसको रिकवर करना आसान नहीं होगा। तो इस तरह का जो डिस्टॉर्शन होता है वो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहलाता है। और मोस्ट प्रोबेबली जो क्लास ए और क्लास बी में दोनों तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री जहां हम यूज करते हैं उस कंडीशन में इस तरह का डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये डिस्टॉर्शन को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। इस डिस्टॉर्शन को इलिमिनेट करने के लिए हम एक सिंपल ऑपरेशन क्लास ए बी, जहां पर ट्रांजिस्टर को क्लास ए बी ऑपरेशन में, दैट मीन्स एम्पलीफायर को, पावर एम्पलीफायर को क्लास ए बी ऑपरेशन में रन कराते हैं। दैट मीन्स यहाँ जो ऑपरेशन होगा वो 180 डिग्री से जाना होगा और 360 डिग्री से कम होगा। जैसे क्लास बी 180 डिग्री तक रन करता में 180 डिग्री तक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर रन करता है, क्लास ए में 360 डिग्री तक रन करता है। तो यहाँ पे हम 180 से जाना और 360 से कम रहता है। तो इस तरह का ऑपरेशन क्लास ए बी ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन के लिए हम क्लास ए बी एम्पलीफायर को प्रेफर करते हैं क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर को यूज किया जाएगा तो उसके साथ एक उसको टर्न ऑन करने के लिए हम एक डायोड या क्लास ए बी ऑपरेशन के वीडियोज में आप डिटेल में देख सकते हैं वहां पर किस तरह से यहाँ 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ऑपरेशन किया गया है। और इसमें जो फॉरवर्ड बायस होगा वो फॉरवर्ड बायस अर्ली स्टार्ट कर दिया जाता है, वहां पर डायोड का यूज किया जाता है, डायोड दोनों को कंडक्शन, अर्ली कंडक्शन प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से हम क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।